नमस्कार, दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसान भाइयों को जानकारी देंगे कि मसूर की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण किस प्रकार करें, वो कौन सी आधुनिक तकनीकी है जिसके द्वारा आप कीट व रोगों की रोकथाम करके अपनी इच्छित पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, जिसमें आप अपनी कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और कृषि से जुड़ी व अन्य नई नई तकनीकियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारी जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए हमारा वीडियो लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं मसूर की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण कैसे करें। किसान भाइयों, मसूर की फसल को बहुत से हानिकारक कीट एवं रोग नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को मसूर की फसल से अपनी इच्छित उपज प्राप्त नहीं हो पाती है। यदि समय पर आर्थिक स्तर से अधिक हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोगों का नियंत्रण कर लिया जाए तो मसूर की फसल से अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। आप उन कीट और रोगों पर नियंत्रण किस प्रकार करें वो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और यदि आप मसूर की खेती की वैज्ञानिक तकनीकी जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आके यहाँ से क्लिक करके उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, या तो फिर हमारा वीडियो भी आप यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। हम बात करते हैं किसान भाइयों, सबसे पहले प्रमुख रोग और उनकी रोकथाम किस प्रकार करें। सबसे पहले उखेड़ा रोग, यह मसूर की फसल का प्रमुख रोग है। यह सामान्य तमरदा तथा बीज जनित रोग है। इसके फफूंद वगैरह पोषक या फिर नियंत्रण के भी मर्दा में लगभग 6 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। यह व्याधि पर्याप्त मर्दा नमी होने और तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर तीव्र गति से फैलती है। इस रोग से ग्रसित मसूर के पौधे ऊपरी हिस्से की पत्तियां और डंडल झुक जाते हैं, पौधा सूखना शुरू कर देता है और मरने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। रोकथाम किस प्रकार करें। खेत को ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर बिना पट्टा लगाए छोड़ दें ताकि उसमें पल रहे प्यूपा और रोग खत्म हो जाएं सूर्य के प्रकाश से। लगातार 3 वर्ष तक फसल चक्र अपनाएं, यानी दलहनी के बदले में तिलहनी गेहूं और मक्का उगाएं। मसूर की फसल हेतु उखेड़ा रोग रोगरोधी किस्मों का चुनाव करें। थीरम, कैप्टन, ट्राइकोडर्मा के अनुशंसित मात्रा से बीजोपचार करें। ट्राइकोडर्मा के अनुशंसित यानी 2 से 5 किलोग्राम मात्रा से मिट्टी शोधन करना लाभप्रद होता है। बीज को मिट्टी में 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर गिराने से उखेड़ा रोग का प्रभाव कम होता है। अब बात आती है किसान भाइयों अर्दा रोग की। मसूर की फसल का यह रोग भी फफूंद जनित है। पौधों में वनस्पतिक वृद्धि ज्यादा होने, मिट्टी में नमी बहुत बढ़ जाने और वायुमंडलीय तापमान बहुत गिर जाने पर इस रोग का आक्रमण होता है। पौधों के पत्तियां टहनी तनों और फलियों पर गोलाकार पैलीनुमा सफेद भूरे रंग के फफोले बनते हैं। बाद में तनों के फफोले काले हो जाते हैं तथा पौधा सूखने की ओर अग्रसर हो जाता है। पौधों पर इस रोग का आक्रमण जितना गहरा होगा क्षति उतनी अधिक होती है। इस रोग से 80% तक क्षति पाई गई है फसल में। फसल में यह रोग हर वर्ष नहीं आता है। पौधों में रोग के आक्रमण के बारे में तब जान पाते हैं जब फफूंद प्रजनता अवस्था में रहता है। इसलिए फफूंद के लिए उपयुक्त वातावरण बनते ही सुरक्षात्मक उपाय आप करें तो सबसे बेहतर रहेगा। वो उपाय किस प्रकार है। मसूर की फसल हेतु रोग रोधी प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए। यदि आपके खेत में इस रोग का प्रकोप है तो फफूंदनाशी से बीजोपचार करना चाहिए। फफूंद के उपयुक्त वातावरण बनते ही मेन को जेब 75% घुलनशील चूर्ण 2 किलोग्राम का संज्ञात्मक छिड़काव आपको करना चाहिए ताकि इस रोग से रोकथाम हो सके। अब बात आती है किसान भाइयों मर्दुरोमिल रोग। मसूर की फसल में यह रोग फफूंद जनित है। बुआई के लगभग 3 महीने बाद रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। पहले पत्तियों पर छोटे छोटे सफेद फफोले बनते हैं जो बाद में तना व फलियों पर छा जाते हैं। नियंत्रण किस प्रकार करें। इस रोग के प्रबंधन के लिए फसल अवशेष को नष्ट कर देना चाहिए। जो पहले की फसलें हैं उनके अवशेष को घुलनशील सल्फर 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर राइडोमार्फ 80% 500 से 600 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार 15 दिन के बाद इसको आप दोहराएं। ये तो थे किसान भाइयों कीट
जिनसे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं उपरोक्त उपायों के अनुसार। अब बात आती है प्रमुख कीट और नियंत्रण की। कजरा कीट जिसको कटवरम भी बोलते हैं, कजरा कीट कभी कभी मैसूर उत्पादक क्षेत्रों में कटवरम के समूह के कीटों का आक्रमण हो जाता है। कजरा कीट 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे काले भूरे रंग के चिकना एवं मुलायम होते हैं। दिन में कीट मिट्टी में छिप जाते हैं तथा शाम में निकलकर पौधों को काटते हैं। यह कीट बहुभक्षी और दलहनी के अलावा मक्का आलू और तंबाकू आदि में भी क्षति पहुंचाते हैं। नियंत्रण किस प्रकार करें? खड़ी फसल में क्षति नजर आने पर खेत में कुछ दूरी पर खरपतवार का ढेर लगा देना चाहिए। सवेरा होते ये कीट इन ढेरों में छिप जाते हैं, जिन्हें चुनकर नष्ट कर देना चाहिए। खड़ी फसल में क्लोरोफायरीफोस 20% ईसी 2.5 लीटर या फिर एंडोसल्फान 35% ईसी या फिर कुलानफोस 25% ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से शाम में छिड़काव करना लाभप्रद होता है। मैसूर की फसल में सिंचाई द्वारा इस कीट के आक्रमण को कम किया जा सकता है। मधुआ कीट, यह हल्के रंग के छोटे आकार के फुदकने वाले कीट होते हैं। कभी कभी इनका आक्रमण मैसूर की आरंभिक अवस्था में पौधों पर हो जाता है। इसके लिए शिशु एवं व्यसक दोनों ही मैसूर की फसल को क्षति पहुंचाते हैं। नियंत्रण किस प्रकार करें? मैसूर की फसल में उपस्थित मित्र कीटों का संरक्षण करना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी अनुशंसा से आधारित होनी चाहिए और फसल खरपतवार मुक्त रहनी चाहिए। अंतिम उपचार के रूप में मोनोक्रोटोफास 36% या फिर डाइमोथोएट 30% ईसी 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जा सकता है। टीरप कीट, यह सूक्ष्म आकृति काला एवं भूरे रंग का बेलनाकार कीट होता है। यह पत्तियों को खुरचता है और उसमें निकले द्रव को पीता है। पत्तियों पर छोटे सफेद दाग बन जाते हैं व पौधे की बढ़वार रुक जाती है। नियंत्रण किस प्रकार करें? मैसूर की फसल में उपस्थित मित्र कीटों का संरक्षण करना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी अनुशंसा के आधारित होनी चाहिए तथा फसल खरपतवार मुक्त होनी चाहिए। अधिक प्रकोप की स्थिति में मोनोक्रोटोफास 36% या डाइमोथोएट 30% ईसी 750 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव किया जा सकता है। कटर पिल्लर लगभग 1 सेंटीमीटर हरे रंग का होता है, जिसका अगला भाग पतला तथा पीछे का अपेक्षाकृत मोटा होता है। मादा पतंगा फुनगियों और पर अंडे देती हैं, जिसे निकला नवजात अपने श्रावित धागे से ऊपरी पत्तियों को बांध देता है और उसमें रहकर मुलायम पत्तियों को खाता है। इसे पहले शाखाएं और बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। नियंत्रण किस प्रकार करें? मैसूर की फसल में उपस्थित मित्र कीटों का संरक्षण करना चाहिए। मैसूर की फसल में पक्षी बैठने की जगह आपको बनाने चाहिए। टी आकार के 15 से 20 स्थान ऐसे बनाने चाहिए जिस पर पक्षी आकर बैठ सकें। नंबर 3, इस कीट का ज्यादा प्रकोप होने पर एंडोसल्फान 35 ईसी या फिर कुलानफोस 25% ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए या किसी धूल कीटनाशी का बुरकाव अनुशंसित मात्रा में कर देने से यह कीट नियंत्रित हो जाता है। अब बात आती है लाही कीट की। कभी कभी पुष्प के समय आसमान में बादल छा जाने और पूर्वी हवा चलने पर मैसूर की फसल पर लाही कीट का आक्रमण हो जाता है। लाही कीट सूक्ष्म आकृति वाला मुलायम पंख युक्त एवं पंख वहीन काले रंग का या हरे रंग का कीट होता है। मादा कीट बिना नर से मिले ही कीट को जन्म देती हैं। ये टहनियों पर बहुत जल्दी अपना समूह बना लेते हैं। लाही कीट समूह में रहकर मुलायम पत्तियों या फिर टहनियों का रस चूसते हैं, जिससे पौधा कमजोर होता है और फलन में कमी आती है। नियंत्रण किस प्रकार करें? इस कीट के प्रबंधन के लिए अनुकूल वातावरण बनते ही प्रति हेक्टेयर 20 येलो स्ट्रिप ट्रैप लगाने चाहिए। लाही कीट का पीले रंग के प्रति आकर्षण होता है, जिसके कारण लाही कीट सटकर मर जाते हैं। मादा कीटों के ट्रैप हो जाने के कारण इनकी संख्या बढ़ नहीं पाती है। नंबर 2, लेडी वर्ल्ड बीटल, सीरफील्ड फ्लाई आदि इस कीट के शत्रु हैं, लेकिन मौसम ठंडा होने के कारण लेडी वर्ल्ड बीटल की संख्या बढ़ नहीं पाती है, तो इसका आक्रमण अधिक होता है। कीट की तीव्रता बढ़ जाए तो मधुआ कीट के लिए अनुशंसित किसी भी एक कीटनाशकी या नीम आधारित कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। फली छेदक कीट, पौधे में फली आने से पूर्व कीट पत्तियों को खा जाते हैं। फली आने के बाद कीट अपना मुख्य भाग फली के अंदर डालकर दानों को खाता है तथा उसके शरीर का कुछ भाग फली के बाहर लटका रहता है। कीट के स्वभाव के अनुसार इसको अनेक नामों से जाना जाता है। नियंत्रण किस प्रकार करें? मध्य नवंबर से यदि किसान 10 फेरोमैन फंदा, जिसमें एलिकासो वर्षा और अमरजीरो
का लियोर लगा हो प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं। अधिकतर नर पतंगा मारे जाएंगे जिससे प्रजनन बाधित होगा और कीटों की संख्या में कमी आएगी। यदि प्रति ट्रेप 6 नर कीट प्रतिदिन फंसते हैं तो इस स्थिति में उपलब्ध रहने पर 50,000 प्रति हेक्टेयर की दर से ट्राइकोग्रामा छोड़ें। यह कीट फली छेदक के अंडे में अपना अंडा डाल देते हैं जिससे ट्राइकोग्रामा कीट निकलते हैं। न्यूक्लियर पोलीहाइड्रोसिस वायरस 250 LE का घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। मसूर की फसल में प्रकाश पंदा लगाकर पतंगों को नष्ट किया जा सकता है। खेत में बांस के टी आकार के 20 वर्ड परपज प्रति हेक्टेयर लगाना चाहिए। इस पर पक्षी बैठते हैं तथा कीटों का भक्षण कर फसल में इनकी संख्या को नियंत्रित करते हैं। इसके नियंत्रण के लिए यदि प्रकोप अधिक हो तो एंडोसल्फान 35 cc 1 to 1.5 liter प्रति हेक्टेयर की दर से या फिर मोनोक्रोटोफास 36% तरल 750 mL प्रति हेक्टेयर की दर से या फिर कुलानफोस 25% EC 1 liter प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किसान भाइयों को करना चाहिए। तो ये तो थी किसान भाइयों मसूर की फसल में कीट एवं रोग रोकथाम की जानकारी। यदि आपको अच्छी लगे तो यह जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए हमारा वीडियो लाइक और शेयर करना आप मत भूलिए। और यदि आपको वीडियो में कोई समस्या आती है तो आप हमारी वेबसाइट पे आके इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस लेख का लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।